नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दोस्त स्माइलिंग शालू के साथ। और आज हम आए हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर में आज आपको दिखाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं छतरपुर मंदिर। ये इसका एंट्री गेट है जहाँ से हमने एंट्री की है। और ये देखो, ये मंदिर है भाई, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये भोलेनाथ का मंदिर है। आगे ढिल्लू और परवीन जा रहे हैं भाई। ये है भाई श्री माँ का बैठक कक्ष। ये है माँ का शयन कक्ष। बहुत ही सुंदर बना रखा है वही मंदिर। ये पूरा आश्रम संत बाबा नागपाल जी के द्वारा बनाया गया था और वो माता कात्यायनी के अनन्य भक्त थे। और जो अभी हम देख के आए हैं वो म्यूजियम है, वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस मंदिर के हर हिस्से को जरूर देखें। वो सामने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, ये देखो भाई, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। बाबा जी का जन्म स्थान तमिलनाडु के अंदर था, बाद में वो साधु रूप में आए और तप करते करते यहाँ अर्जुन नगर में आए। और यहाँ पर उस समय जंगल थे, लगभग 70 के दशक की बात है, 1960 के आसपास वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की थी। ये मेरे ठाकुर जी हैं, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री सने बिहारी लाल की जय हो। वो सामने भाई महाराज जी की वो है, नवरात्रों में जब मंदिर में लंगर की व्यवस्था होती थी तो बाबा जी खुले आसमान में टेंट लगवा कर लंगर लगवाते थे। एक बार अचानक बहुत तेज आंधी तूफान एवं वर्षा आने से सारा टेंट उखड़ गया, जिससे दर्शनार्थी और लंगर करवाने में बहुत अधिक असुविधा हुई। यह सब देखने पर बाबा जी बहुत दुखी और उन्होंने प्रण किया कि मैं एक ऐसा लंगर हाल व रसोई का निर्माण करूँगा जिसमें लगभग 4-5 हज़ार लोगों को बैठा कर भोजन करवा सके। और भूतल पर लक्ष्मी विनायक मंदिर बनवाऊंगा जिसमें चांदी की सुंदर कलाकृतियों में निर्मित करके श्री गणेश व लक्ष्मी की प्रतिमाओं की स्थापना करूंगा। इस भवन की शैली दक्षिण भारत से ली गई है क्योंकि बाबा जी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, इसलिए बाबा जी ने मंदिर परिसर उत्तर भारत की शैली में मात्र छाया स्थित
लक्ष्मी विनायक मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित किया है भाई। ये है भाई संत बाबा नागपाल जी, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। 70 के दशक में 1960 के आसपास यहाँ पर आए थे। वैसे बाबा मुख्यत तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। दक्षिण शैली के मंदिर हैं यहाँ पर लगभग ये बनाए हुए। इसके अंदर माता जी का रथ है जो नवरात्रों में निकाला जाता है। ये देखो भाई कितना बड़ा गेट है और ये कितना बड़े इसके कुंडी ताला। ये माता का रथ है भाई यहाँ पे। ये देखो भाई ये इस रथ का इतिहास है भाई। दक्षिण भारत के प्राय सभी मंदिरों में वहाँ के देवी देवताओं को एक विशेष रथ विराजमान कर मुख्य उत्सवों पर परिक्रमा करने का प्रावधान है। परम पूज्य बाबा संत नागपाल जी ने इस परंपरा को अपने यहाँ भी कायम रखने के लिए अपने इस शक्तिपीठ मंदिर में भी दक्षिण भारत की कलाकृतियों में सागवान और साल की लकड़ी में नवनिर्मित कर एक विशाल रथ बनाने की शुभ इच्छा प्रकट की थी। इस रथ का निर्माण कार्य सन 1986 में दक्षिण भारत के वास्तुकला के कारीगरों द्वारा आरंभ किया गया और इसको पूर्ण होने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा था भाई। इस रथ का फ्रेम सागवान की लकड़ी में निर्मित किया गया था और रथ के 6 पहिये लोहे के बने हुए हैं। रथ के अंदर श्री गणेश, माँ गंगा जी, स्वामी कार्तिकेय जी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी का विग्रह सागवान की लकड़ी में निर्मित कर स्थापित किए गए हैं। ये इसका इतिहास था भाई। ये देखो भाई इसकी खूबसूरती इस मंदिर की। ये आ गए भाई हम दूसरे मंदिर के अंदर। बाबा का समाधि स्थल है ये। बहुत ही भव्य मंदिर है भाई। ये देखो भाई हिरण, गाय और ये छोटे पक्षी। ये भाई हाथी बनाए हुए हैं दोनों साइड में। ये बाबा का समाधि स्थल है। दर्शन करो भाई माँ कात्यायनी के। ये बाबा जी का समाधि स्थल था जो हम थोड़ा हाथ दिखा पाए आपको। अभी आ गए बाहर क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी भाई। जो बाबा संत नागपाल जी थे वे 15-16 दिसंबर की मध्य रात्रि को 12:05 पर इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए 1998 में। ये है भाई 4000 किलोग्राम का घंटा यहाँ पर। ये विशाल हॉल बनाया गया है भाई। ये माँ लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी को समर्पित ये मंदिर। ये भाई श्री लक्ष्मी जी और 9 देवियों के दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये देखो भाई कितना विशाल हॉल बनाया गया है यहाँ पर। ये हनुमान जी की प्रतिमा आपको सामने से दिखाते हैं अभी। ये देखो भाई सामने से श्री हनुमान जी।
ले भाई हो गए दर्शन बाबा नागपाल जी की समाधि के, और हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए। यो भाई डिलू सेल्फी लेते हुए यहाँ पर शेर और बगीरा बगीरा के साथ। ये कछुआ भाई और इसके ऊपर स्थापित है त्रिशूल। देखो कितना बड़ा कछुआ है भाई। ये गोगा जी महाराज हैं भाई, गुरु गोरखनाथ जी, गुरु जारवीर गोगा पीर महाराज की जय हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, ये था पूरा छतरपुर मंदिर जो हमने अभी आपको दिखाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।